अनेक प्रकार की हरियाली वगैरह है, और वो छतरी है पीले कलर के जो जाबुन है वो है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे आप सब। दिस इज़ अमराजा एजुकेशन, और इस वाली व्लॉग में मैं जा रहा हूँ भीमगढ़ टेंपल और भीमगढ़ का आश्रम देखने के लिए, जो यहाँ से नारगढ़ के पास पड़ता है। नारगढ़ से करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भीमगढ़, और यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर है और आश्रम भी है। और ये वाला नारगढ़ जो है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, जो मध्य प्रदेश में है। और इस वाले मंदिर की और नारगढ़ की जो दूरी है मंदसौर से करीबन 25 या 30 किलोमीटर की दूरी पे ये वाला स्थान स्थित है। तो अभी मैं नारगढ़ और भीमगढ़ के रास्ते में खड़ा हूँ, और फिर जा रहा हूँ नारगढ़ का जो है भीमगढ़ मंदिर देखने के लिए। भीमगढ़ आ गई है क्या? हाँ, ठीक है, अपन जा रहे हैं तो, है कि नहीं? मुझे भी बताते रहिए ना आप, फिर बातचीत करते रहेंगे। और गाड़ी जो सामने भी दो रास्ता की बताया, अपन घुमाओ थोड़ा कैमरा सामने वाला कर रखा। नहीं गाड़ी नहीं चल रही हो तो फिर यहीं खड़े कर देते हैं, क्या बोलते हो? गाड़ी चलेगी ना? चलेगी, चलो ठीक है। रास्ता तो काफ़ी ख़राब है यार, ये बहुत ही ख़राब रास्ता है। हाँ, तो यहाँ से नारगढ़ से कितना किलोमीटर है ये? नारगढ़ से लगभग 2.5-3 किलोमीटर है। 2.5-3 किलोमीटर। तो ये यहाँ पे ज़्यादा कुछ मेला वेला लगता है क्या? कुछ मेला वेला नहीं, कुछ नहीं लगता है। अच्छा, तो रास्ता काफ़ी ख़राब है और पानी वाला रास्ता है, बहुत मुश्किल लगती है गाड़ी चलाने में, और सावधानी से बरतना पड़ती है, नहीं तो फिसलन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ। ये क्या है कि रास्ता और शमशान घाट भी आ गया इधर, आगे शमशान घाट ही है जी। शमशान घाट के ऊपर ही मतलब इसी रास्ते पे आता है वो भी, मतलब सरकार वगैरह कुछ भी ध्यान नहीं दे रही रास्ते का। हाँ, रास्ता तो बनना चाहिए अब यार, यहाँ अपने नारगढ़ का ऐतिहासिक स्थान है, ये एक स्थान है। बहुत ही नारगढ़ गढ़, यहाँ का भीमगढ़ महादेव मंदिर गढ़ है, पूरा गढ़ है ना। रास्ता काफ़ी ख़राब है यार, ऐसा तो नहीं हो आगे रोकना पड़ जाए गाड़ी? नहीं नहीं, गाड़ी तो चली जाएगी, चली जाएगी, बाकी रास्ता ऐसा ही मिलेगा। काफ़ी सकरा रास्ता है और पूरी तरह से कीचड़ काचड़ वाला रास्ता है, जाने में गाड़ी चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम से हो रही है। और भैया जी हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं, नाम बता दीजिए भैया जी आपका। जी मेरा नाम लोकेश माली। लोकेश जी माली है, आप ही यहीं रहते हो नारगढ़ में? जी यहीं रहता हूँ। अच्छा, आप यहाँ से कितना दूर और होगा? किस जगह? अपना घर आ गया? अपना खेत आ गया, खेत आ गया यहाँ पर। चलो मुझे दे दो, चलूँ मैं छोड़ने? क्या वहाँ चल रहे हो तो चलो, फिर अपन आ जाएंगे साथ में। सामने कर दो, देखना पड़ेगा। हाँ आ रहा है, आ रहा है। हाँ गाड़ी यहीं खड़ी कर दे ना। हाँ अंदर ले लो, अंदर ले लो, यहीं खड़ी कर देते हैं। हाँ यहीं खड़ी कर देते हैं, लाइए। तो दोस्तों आ चुका हूँ मैं, ये भैया भी थे साथ में मेरे, इनका खेत वगैरह कुआँ वगैरह इधर ही है, तो इनने बोला कि चलो मैं भी चलता हूँ साथ में। तो ये भीमगढ़ का जो यहाँ पे आश्रम है और भगवान शिव का मंदिर है, और उसका मेन लोकेशन वाला जो गेट दिख रहा है आपको, ये गेट है। तो गेट में एंट्री करते हुआ मैं, चलाइए। यहाँ के बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया था, गूगल भी किया था, यूट्यूब पर भी देखा था, लेकिन यहाँ की जानकारी किसी भी प्रकार से मुझे मिली भी नहीं थी। तो मिलते हैं, देखते हैं आज की
कैसे क्या आश्रम वगैरह यहाँ का? आश्रम है गुरु महात्मा जी। नमस्ते। तो आश्रम वगैरह और मंदिर। वासुदेव जी, योगी जी महाराज की जो छतरी लगी हुई है यहाँ पे, ये है। और कुछ नहीं, अभी ज़्यादा जनसंख्या वगैरह तो नहीं है, बस मैं अकेले ही था, आया था। और नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है, और आगे सब दूर झाड़ियाँ वगैरह है यहाँ पे। आसपास जो देख रहे हो आप, पूरी झाड़ियों से घिरा हुआ है आश्रम। और अभी यहाँ पे ज़्यादा कोई महात्मा मुनि वगैरह, सिर्फ एक साधु महात्मा जो रह रहे हैं, अभी उनसे भी जाके मैं चर्चा करूँगा। शिव जी का मंदिर है, ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, अनेक प्रकार की हरियाली वगैरह है। और वो छतरी है उस साइड जो देख रहे हो आप मेरी, वो समाधि है किन्हीं गुरु महात्मा वगैरह की, वो एक सर जी ने बताया था मुझे। और अभी आसपास हरियाली वगैरह काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। जाता हूँ मैं भोलेनाथ के मंदिर में। ये मंदिर जो है शिव जी का है मंदिर। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, हरियाली वगैरह काफ़ी अच्छी है। और सभी दूर से जो है, पास में शिवना नदी भी है, और शिवना नदी के बारे में तो काफ़ी अच्छी जानकारी है सभी के पास, क्योंकि शिवना नदी बहती हुई आरी मंदसौर ज़िले के अंतर्गत बहती है ये वाली नदी। और सब दूर देखो तो हरियाली, पेड़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं स्तर में यहाँ पे, और पेड़ हरियाली। इसके बाद ये झंडा वगैरह चौक है, झंडा लगा रखा है यहाँ पे किसी ने। सब दूर ये आश्रम का गेट वगैरह शिव जी की है, तस्वीर वगैरह है। और अपन आ सकें तो यहाँ से नारगढ़ से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये वाला आश्रम। और यहाँ पे पुरानी छतरियाँ वगैरह जो गुरु महात्मा रहते थे ना, उनकी छतरियाँ वगैरह है यहाँ पे देखने लायक। और भी कुछ जानकारी उनसे करेंगे अपन, भैया जो बैठे हुए ना उनसे मैं चर्चा करूँगा कि और क्या क्या है यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह जानकारी अगर अपन लेना चाहे तो, और क्या क्या विद्यमान है यहाँ पे। बस ये है जानकारी। एक और समाधि जो मैं जा रहा हूँ, एक और समाधि का यहाँ पे है, ये भी गुरु महात्मा की समाधि। और ये कौन सा पेड़ है यार? ये जो है जामुन का पेड़ वगैरह है यहाँ पे, पीले कलर के जो जामुन है वो है। और एक और महात्मा की जो समाधि है ये, इन महात्मा का जो नाम है पता नहीं, ये जो नीचे जो दिख रहे हैं आपको, इन महात्मा की जो समाधि है, जिन महात्मा के चप्पल वगैरह दिख रहे हैं अपने को, वो महात्मा के चप्पल वगैरह दिख रहे हैं यहाँ पे। ये अभी भी इन महात्मा की समाधि, जिन महात्मा की समाधि है उनके चप्पल वगैरह पड़े हुए यहाँ पे, और उन महात्मा का फोटो वगैरह ये रहा, मतलब उनकी प्रतिमा वगैरह बिठा रखी यहाँ पे। ये महात्मा जी मानी जी गुरुदेव जय भीमगढ़ नीलकंठेश्वर आश्रम में नाहरगढ़ 108 श्री महात्मा शिवानंद जी, शिवनाथ जी सदगुरु की समाधि है ये। काफ़ी अच्छा रहा होगा इनका और तब की समाधि है ये, अभी भी यहाँ पूरी तरह से विराजमान है। और नीचे इनके कड़ाव रख रखे हैं स्लीपर वगैरह, और ये यहाँ पे भी समाधि है, स्लीपर वगैरह रख रखे इनके, जो यहाँ पे देव सुनने आते हैं दर्शन कर सकते हैं वगैरह। और पास ही में फिर एक और महात्मा जी की समाधि है ये, पास में एक और महात्मा जी की समाधि है ये।
देखो पूरी तरह से ऐसे विराजमान है जैसे कि अभी मतलब बात करने लगे। अच्छी समाधि है महात्मा जी की और काफ़ी ज़्यादा दर्शनीय है, गुरुदेव काफ़ी ज़्यादा दर्शनीय हैं। उधर के जो लोकेशन दिखाता हूँ मैं आपको बैक साइड की, उधर बहती है शिवना माता, शिवना जो नदी है उस साइड बहती है। बाकी वो भी आश्रम ही है क्या? इधर ही। ये घर है मतलब धूनी इधर। अच्छा इधर बताएं तो ये अपने महात्मा जी आश्रम, अपने गुरुदेव जो यहाँ पे रहते हैं उनका आश्रम है। और अंदर बाबा की दूना, दूना है, दूना। कौन से बाबा? बाबा शिवनाथ जी का जो समाधि है वो। अच्छा वो समाधि जिनका यहाँ पे धुना है अंदर। देखा। अच्छा यहाँ बैठ के वो धुना करा करते थे ना? पूजा पाठ, ये पूजा अर्चना। ठीक है सर, यहाँ बैठ के ना अपना भजन करते थे वो। अच्छा अपना सारा शरीर बाहर निकाल के अपना दूसरा रूप धारण करते थे। बहुत दर्शनीय स्थान है यार। हाँ नाथ जी का स्थान है ये। जो यहाँ पे बैठते थे भगवान, क्या नाम था पंडित जी उनका? बाबा शिवनाथ। शिवनाथ जी। हाँ। तो यहाँ बैठ के भजन कीर्तन वगैरह करते थे। हाँ। और क्या क्या उनमें कलाकृतियाँ थी, मतलब क्या क्या वो इस टाइम तो यहाँ किसी को नहीं रुकने देता था। इस समय इस टाइम तो यहाँ गेट बंद हो जाता था सब। यहाँ तो जंगल था, ये बहुत पूरा तरह से जंगल था ये। तो बाबा शिवनाथ आया, भजन किया, ये आश्रम बनाया यहाँ फिर। अच्छा क्या? हाँ 35-40 साल हो गए उसकी समाधि लगे। इधर वाली समाधि है इधर। हाँ पास वाली समाधि देखी मैंने। हाँ। वो शिवनाथ जी की समाधि है। शिवनाथ की समाधि है इधर वाली। अच्छा वो जो उधर वाली है वो अभी आए थे बाबा 10-12 साल हो गए। 10-12 साल पहले की समाधि है उनकी समाधि अभी वो। और ये जो पास वाली समाधि है पहले 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। तो ये जो शिवनाथ जी महाराज जो थे ये पहले कहीं दूसरी तरफ से आए थे क्या? हाँ राजस्थान के हैं। राजस्थान का जन्म है यहाँ के रहने लग गए थे जी महात्मा जी। और आपका नाम वगैरह आपकी जानकारी? गुफानाथ जी। आपके यहाँ भीमगढ़ जो महादेव है मंदिर आश्रम है यहाँ देख रेख करते हैं और यही सेवा भाव करते हैं? यही रहते हैं। अच्छा भगत लोग आ जाते हैं यहाँ सेवा करने, ऐसी बात? हाँ भगत लोग आते होंगे ना। मैं एक बार वहाँ पे भी गया था अपने हिंगलाजगढ़, वहाँ भी महात्मा से मिला था, आश्रम में गया था वहाँ भी। उनने भी जानकारी दी थी अपने नारगढ़ क्षेत्र का इतिहास जो जिन चीज़ों से जुड़ा हुआ है वो जानकारी लोगों को बताया तो वो ठीक रहता है थोड़ा। ये तो अब जाके नए गिए ना, यहाँ तो गुंडे ही रहते थे। हाँ पूरा क्षेत्रीय अपना जंगली इलाका है तो जानवर वगैरह है ना। करते पैसा मांगते स्थान के नाम से और अपनी दुकान बना लेते। अच्छा ऐसा काम करते हैं? ऐसा काम करते मेरे। अच्छा तो वह काफी डरावना स्थान भी है क्योंकि ये जंगल के बीच में स्थित है और पास में शिवना नदी बह रही है। और यहीं पे बाकी ज़्यादा तो क्या बरगद का पेड़ वगैरह है, आश्रम है और भगवान शिव जी का मंदिर है। तो अधिकतर पब्लिक वगैरह जो अपने दर्शनार्थी जो लोग आते हैं वो कब आते हैं? शिवरात्रि गुरु पूनम को। हाँ जैसे अब सावन का महीना चल रहा है हर सोमवार को आते हैं। हाँ हाँ उस हिसाब से आप जाते हैं। अच्छा महात्मा जी एक प्रॉब्लम है आने में, मतलब समस्या है कि वो पूरी तरह से रोड यहाँ अच्छा बना हुआ नहीं, कच्चा रास्ता है। जी के खाने बना के यहाँ पे भोजन ग्रहण करने के लिए दो गैस जो लकड़ी से बने हुए मिट्टी के बने हुए चूल्हे हैं जिन पे लकड़ी से बना के यहाँ पे खाना खाया जाता है। महात्मा जी के बर्तन वगैरह रख रखे हैं, जैसे वो कुकर रख रखा है यहाँ पे और नल वगैरह है, छोटे बड़े बर्तन रख रखे महात्मा जी ने। अच्छी बात है। तो गैस चूल्हा भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। लेकिन एक महात्मा को रहने में, आश्रम में रहने में कितनी प्रकार की मुसीबतें और प्रॉब्लम आ सकती हैं ये तो वही जाने। अब तो एक बार बता दीजिए महात्मा जी, धन्यवाद आपका। क्या नाम था आपका? मैं गुफानाथ जी। आप कितने साल से हो महात्मा जी यहाँ पे? दो साल से हो। अच्छी बात लगी, आश्रम में काफ़ी अच्छा था लेकिन पब्लिक कम आने की वजह से यहाँ पे सुविधा का अभाव है। धीरे धीरे हो जाएगी सुविधा।
तो दोस्तों ये वाला व्लॉगर इतना ही था, अपना आश्रम वगैरह ये जो था भीमगढ़ आश्रम देखा। इधर एक और दिखवा देते हैं, अपनों को कुएं वगैरह भी है यहाँ पे, जो पानी की व्यवस्था है यहाँ पे सप्लाई होने के लिए, लेकिन कुएं की तो दशा ऐसी हुई मतलब पूरी तरह से ग्रसित हो गई है, धूल मिट्टी वगैरह इसमें हो गई और पानी पीने लायक ये जो है ट्यूबवेल लगा रखी थी उस साइड जो नदी देख रहे हैं मेरे पीछे बैक साइड में जो नदी है वहाँ से ये पानी पीने की व्यवस्था होती होगी। तो दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक मेरा वीडियो जो है अपने दोस्तों में अपने फैमिली में शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, गाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।